अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल पाक टेक्निकल टीवी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने इस डिवाइस को अनबॉक्स किया था। ये थीस मशीन की कैरियर रिटेनिंग डिवाइस है, तो इसको अभी हम खोलते हैं। इसके बोल्ट वगैरह खोल के तो इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये इसके 16 mm के बोल्ट हैं, तो इसको अभी हम खोलते हैं और ये वाला पार्ट इसके ऊपर हम लगा देंगे। अभी पूरी को हमने खोल दिया है, खोल के तो अभी इसकी ओरिंग और सीलिंग वगैरह लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी डाउन साइड में एक ओरिंग लगता है, अभी उसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो आप ये ऊपर से नीचे इसको देख लें, ये मैंने अभी इसको लगा दिया है। एक सील का मुंह नीचे की तरफ कर दिया है और जो इसके ऊपर सील आएगी उसका मुँह ऊपर की तरफ कर देंगे, ताकि ऊपर से एयर आए तो नीचे की तरफ प्रेस करेगा, अगर नीचे से एयर आएगी तो ऊपर की तरफ इसको ये ओपन करेगा। अब ये इसका नट टाइट कर देते हैं, 16 mm का नट है ये, और 24 की रिंग चाबी से इसको टाइट कर देते हैं। अभी ये नीचे से शाफ्ट इसकी घूम रही है, तो इसको थोड़ा ऊपर करके पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये रुक जाए, ताकि नट इसका टाइट हो जाए। लेकिन ये टाइट नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर करके ही करना पड़ेगा। तो अभी इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ये लेना, इसको इस तरह यहाँ से ना पकड़ लेते हैं, फिर इसको टाइट करते हैं। अभी भी थोड़ा घूम रहा है, दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा। तो ये लेना, अभी इसको हमने टाइट से पकड़ लिया और इसको पूरा टाइट कर दिया जोर लगा के। तो इसी तरह इसको टाइट करते हैं और अब इसको ऊपर से चेक नट कर देते हैं। ये लेना, ये पूरा चेक नट हो गया। अब इसको वापस नीचे की तरफ उसी जगह पर वापस खड़ा कर देते हैं जहाँ पर ये पहले था। तो अब ये डिवाइस ऊपर लगाएंगे। ये सिलेंडर होता है बेसिकल, जो पार्ट्स हम चेंज कर रहे हैं ये सिलेंडर है, तो पूरा मिला के ये एक डिवाइस बन जाएगी। ये एयर से ऑपरेट होती है, कैरियर के ऊपर से इसको लगाया जाता है, ताकि कैरियर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आए। जब मशीन चलेगी तो उसका प्रेशर ऊपर की तरफ होता है, तो प्रेशर से कैरियर जो है वो वाइब्रेशन करता है, तो इसके ज़रिए वो नीचे की तरफ प्रेस हो के रह जाएगा। तो अब इसके 16 mm के नट लगा देते हैं, और ये साइड में आप देख सकते हैं इसका बाल भी लगा दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको पाइप लगा देते हैं, कोशिश करते नहीं तो वरना ऐसे टाइट कर देंगे। ये जब आपकी मशीन चल रही होती है और वाइब्रेशन कर रही हो, तो आप यूँ समझे कि आपका ये वाला जैक जो है कैरियर होल्डिंग डिवाइस, तो नहीं खैर आप कह सकते हैं इसको कैरियर रिटेनिंग डिवाइस आप कह सकते हैं, रिटेन करता है ऊपर से। तो इसका ही ज़्यादा मसला होता है कि इसकी ओरिंग वगैरह ख़राब हो जाए, या उसकी सील ख़राब हो जाए, या उसकी ये जो सिलेंडर वाला हिस्सा है इसका अंदर से सेल वगैरह आउट हो जाता है। तो हमने कुछ लगा दिए, हम इसको टाइट करके फिर इसको चला कर चेक करते हैं। ये इसके बोल्ट जो है मुझे एकदम टाइट हो गए। अभी इसके पाइप वगैरह जो है वो लगा देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये 7 नंबर डिवाइस कहलाती है।